जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज एक जगह पे हम लोग आए हैं क्योंकि जहाँ प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वहाँ से थोड़ा दूर है। यहाँ पे एक मज़रा है, यहाँ पे मज़रा बोलते हैं जहाँ पे ये आपको भेड़ बकरे ऊंट मुर्गियाँ इनका गोश्त मिलेगा। और ये मसलन शहर से बहुत दूर होता है, यहाँ पे घास फूस और रेत रेगिस्तान की तरह। अब यहाँ पे ऊंट का गोश्त हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना आते हैं यहाँ पे वीज़ा के हवाले से या जॉब के हवाले से। तो मज़रा जब इनका टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है ना इस प्लेस में, जैसे कि गर्मी अभी बढ़ेगी और टेम्परेचर हाई होगा तो फिर सिचुएशन ही चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, पानी का मसला और रहने का, तो सारे मसले मसाइल हैं। तो बस यही दिखाना था कि यहाँ पे गोश्त कैसे मिलता है। लोग यहाँ पे आते हैं, पूरा एक बकरा या मुर्गी लेते हैं, वो साइड पे एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे कटवाएंगे और चल भाई गाड़ी में रखो और ले जाओ। तो ये सीन है यहाँ का। तो किसी भी भाई को अगर मज़रे के हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो ये एक छोटी सी उनके लिए वीडियो है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी दूर ये एक मस्जिद है और माशाल्लाह जुमे की नमाज और एक मस्जिद पूरी भर गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो ये आप जगह देख सकते हो, अब बिल्कुल ये मैदानी इलाका है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का भी मकसद ये यही था कि इसी वजह से वीडियो बना रहा था कि जो काफ़ी लोग आते हैं ना वीज़े पे आते हैं मज़रा के, तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि मज़रा है क्या चीज़। तो ये इस तरह से बयाबान है, बिल्कुल ये टेंट से लगे हुए हैं। वो भेड़ बकरियाँ भी शायद आपको थोड़ी वो नज़र आ रही होंगी बीच में। तो यहाँ पे मुर्गियाँ भेड़ बकरियाँ ऊंट बकरे, तो ये बस छोड़ देते हैं, इनका बस ख्याल वगैरह रखना होता है और कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है। 1000 से 1200 रियाल ये मज़रे का वो देते हैं जो भी बंदे आते हैं इस पर। बहुत सारे बंदे भाग जाते हैं फिर, क्योंकि काम करना यहाँ पर बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि दूर तक कोई शॉप नहीं रहती, तो हर चीज़ें कुछ उनको लेने देने में दिक्कत आती है। और जब अभी ये पूरा रेत है इस साइड में, तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो फिर गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी एकदम से, तो इस वजह से भी है। तो मेरा प्लान था वैसे ऊँट का गोश्त लेने का, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी में हम लोग निकलने वाले हैं, तो कोई ना कोई जुगाड़ करके इंशाल्लाह फिर और वीडियो बनाएंगे कोई और किसी नए टॉपिक पर।